आज फिर हम कुछ नया करके दिखाने जा रहे हैं, वो आप ध्यान से देखिए। पहले नंबर में हम दिखाने जा रहे हैं कि आज सबसेट है, जबकि इफ ए एंड बी आर ओनली सबसेट ऑफ यू देन डिफरेंट टर्मिनोलॉजी एंड सिम्बल्स यूज इन सेट कार्डियोलॉजी चैप्टर्स आर एज फॉलोज। जैसे कि आप बहुत सारे सिंबल हम यूज करते हैं सेट चैप्टर में, उसको कौन से सिंबल का क्या मीनिंग होता है वो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जैसे कि एंड नॉट ए है, इसका नंबर इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ओनली, जो कि सिर्फ ए में मिलता है और कहीं भी नहीं होता है। एंड नॉट बी है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ओनली, इसका मतलब है कि सिर्फ सेट बी में मिलता है और कहीं भी नहीं होता है इसका। इसी तरीके से एन नॉट ए प्लस एन नॉट बी एग्जैक्टली वन ऑफ द बोथ सेट, मतलब इसमें सिर्फ ए का है और सिर्फ बी का है और कोई नहीं। ए यूनियन बी एट लीस्ट कंटेन इन वन सेट और बोथ, इसमें मतलब है कि दोनों में है अथवा किसी एक में भी है, इसका मतलब यह होता है। और दूसरा है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कंटेन इन बोथ सेट, इसका मतलब होता है कि दोनों में होना ही चाहिए कंपल्सरी। और इसका यहाँ पर एक और है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस सेट नाइदर ऑफ दिस सेट, मतलब इसका मतलब होता है कि ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, दोनों से बाहर है ये। ये सारे सिंबल यूज करके हम बहुत सारे फार्मूला भी ड्राइव किए गए हैं, वो ड्राइव किए हुए फार्मूला भी आपको हम एक्सप्लेन करके बताने जा रहे हैं। जैसे कि फार्मूला नंबर ए में है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाता है ए यूनियन माइनस ए यूनियन बी, इसमें होता है कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से दोनों ए यूनियन बी का नंबर जो होता है उसको यूनियन जो होता है वो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। बी नंबर में है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें मतलब होता है यूनियन फाइंड आउट करने के लिए ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए एन ए का जोड़ना पड़ता है, एन ए एन बी को जोड़ना पड़ता है और साथ में जो इंटरसेक्शन होता है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। उसी तरीके से सी नंबर फार्मूला एन ए यूनियन बी बराबर एन नॉट ए प्लस एन नॉट बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, सिर्फ ए का होता है, सिर्फ बी का होता है और सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी का होता है, वो तीनों को हमें जोड़ना होता है इसमें। दूसरा फार्मूला है एन नॉट ए बराबर एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए का होता है, सिर्फ ए का फाइंड आउट करना हो तो हमें करना होगा कि एन ए जो है उसमें से हमें इंटरसेक्शन जो होता है एन ए इंटरसेक्शन बी होता है वो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। इस तरीके से एन नॉट ए इज इक्वल टू ओनली एन ए माइनस बी, और हम इसको कैलकुलेशन और सिंपल बनाने के लिए और ये भी कर सकते हैं कि एन ए माइनस बी जो करते हैं उसको हम बी डिनोट करते हैं एन नॉट ए से। दूसरा है एन नॉट बी इक्वल टू इज इक्वल एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब होता है कि सिर्फ बी का फाइंड आउट करना हो तो हमें एन बी में से एन इंटरसेक्शन ए बी फाइंड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। उसी तरीके से एन नॉट बी इक्वल हो जाता है एन बी माइनस ए, यहाँ पर अपोजिट होता है, सिर्फ ए का हो तो ए में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और सिर्फ बी का हो तो बी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट फार्मूला एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बराबर होता है एन बी माइनस ए इक्वल एन इंटर एन नॉट बी, इतना भी हो जाता है। ये डायरेक्ट फार्मूला है एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल एन ए माइनस बी इक्वल एन नॉट ए। और इसी तरीके से ये सब हम यहाँ पर वेन डायग्राम में भी दिखाए हैं, आप देख सकते हैं कि 12 बॉक्स जो बनाया गया है वो यूनिवर्सल सेट होता है, और जो फर्स्ट सर्कल है वो सेट ए को डिनोट करता है और सेकंड सेट है वो सेट बी को डिनोट करता है। उसी तरीके से यन यहाँ पर जो है जो हाफ सर्कल में है वो सिर्फ यन एन नॉट ए है, और बीच में जो है जो एन ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन है, दोनों में जो नंबर भी मिलता है उसको हम बीच में रखते हैं, और एन नॉट बी जो ए जो सिर्फ बी में है और कहीं भी नहीं मिलता है उसको हम इस साइड रखते हैं, बी के साइड रखते हैं, और जो सिर्फ ए में है वो कहीं नहीं मिलता है वो ए तरफ रखा जाता है। इसी तरीके से एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है जो ए और बी दोनों से बाहर हो वो हम बाहर में रखते हैं, इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इस तरीके से ये सारे फार्मूला को यूज करते हुए हमने बहुत सारे प्रॉब्लम को भी सॉल्व किए हैं जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। जैसे कि आगे हम आपको बहुत सारे फार्मूला एक्सप्लेन किया गया है उसको दिखाया गया है, उसी को यूज करने के लिए हम एक एग्जांपल को भी आपको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 18 में क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि आउट ऑफ 200 स्टूडेंट इन अ क्लास 150 स्टूडेंट लाइक फुटबॉल 120 लाइक क्रिकेट, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट ओनली इज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल ओनली देन यूजिंग वेन डायग्राम फाइंड द स्टूडेंट हु लाइक्स
both games, football only, none of these games. Now, solution here given. जैसे कि अब यहाँ पर देखा गया है कि अब 200 स्टूडेंट जमा क्लास में है, उसमें से 150 को फुटबॉल अच्छा लगता है, 120 को क्रिकेट अच्छा लगता है, उसी में और क्या दिया गया है, जो सिर्फ क्रिकेट को मन पड़ता है वो 1/3 है किसका, जो सिर्फ फुटबॉल को मन अच्छा लगता है। तो आगे देखते हैं हम सोल्यूशन में, लेट एफ एंड सी बी दी सेट ऑफ स्टूडेंट लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट रिस्पेक्टिवली। दिया गया है गिवन, एन यू इक्वल 200 एंड एफ इक्वल 150 एंड सी इक्वल 120 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में पहले दिया गया है उसी अनुसार हम आगे भी करते हैं कि एन नेट सी बराबर एक्स मानते हैं, उसी तरीके से एन नेट एफ बराबर 3x हो जाता है। वी हैव ऑल्सो अब फार्मूला, हमारे पास जो फार्मूला है फार्मूला को यूज करते हुए क्या हो जाता है, एन एफ इंटरसेक्शन सी बराबर हो जाता है एन सी माइनस एन एफ सी बराबर 120 माइनस एक्स, इसको हम इक्वेशन वन मानते हैं। उसी तरीके से दूसरा एक भी है, एन एफ इंटरसेक्शन सी, पहले भी हम एफ इंटरसेक्शन सी को फाइंड आउट किए थे एक फार्मूला से, फिर एन एफ इंटरसेक्शन सी को हम फाइंड आउट कर रहे हैं दूसरा फार्मूला से, एन एफ माइनस एन नॉट आर इक्वल 150 माइनस 3x, इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 हम दोनों इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे तो उसके बाद हमें मिल जाएगा कि 120 माइनस एक्स बराबर 150 माइनस 3x और 2x इक्वल 30, देयरफॉर x इक्वल 15। नाउ फॉर्मूला 1 हियर, n f इंटरसेक्शन c इक्वल 120 माइनस x इक्वल 120 माइनस 15 इक्वल 105 लाइक बोथ गेम्स, मतलब 105 पीपल है, 105 स्टूडेंट है जिसको दोनों अच्छा लगता है। n नॉट f इक्वल n f माइनस n f इंटरसेक्शन c इक्वल 150 माइनस 105 इक्वल 45 लाइक फुटबॉल ओनली, इसमें देखा गया इसमें सिर्फ फुटबॉल अच्छा लगता है इस 45 स्टूडेंट को। आगे एन एफ यूनियन सी कम्प्लीमेंट इक्वल एन यू माइनस एन एफ यूनियन सी, आगे भी हम इस फॉर्मूला को डिस्क्राइब कर चुके हैं, उसी तरीके से देखते हैं एन यू का कितना हमारे दिए गए हैं 200 और एन एफ यूनियन सी इक्वल एन नॉट एफ प्लस एन नॉट सी प्लस एन एफ इंटरसेक्शन सी 200 माइनस 45 प्लस 105 प्लस 15 इक्वल 200 माइनस 165 इक्वल 35 स्टूडेंट लाइक नॉन ऑफ दिस गेम। इसी तरीके से हम आगे एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, वो भी आप ध्यान से देखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 36 को भी हम एक्सप्लेन करके आपको दिखाने जा रहे हैं, वो भी आप ध्यान से देखिए। दिया गया है इन अ सर्वे ऑफ कम्युनिटी इट वॉज फाउंड दैट 65% लाइक फॉक सॉन्ग, 50% लाइक मॉडर्न सॉन्ग, 30 लाइक बोथ सॉन्ग्स, 450 डिड नॉट लाइक बोथ सॉन्ग्स, देन ड्रॉ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द इंफॉर्मेशन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे, फाइंड द पीपल हु लाइक फॉक सॉन्ग ओनली। यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व करके दिखाने जा रहे हैं, सोल्यूशन में दिया गया है एफ एंड एम डिनोट द सेट ऑफ पीपल हु लाइक्ड फॉक सॉन्ग एंड मॉडर्न सॉन्ग रिस्पेक्टिवली। देन आगे भी क्वेश्चन में दिया गया है लेट एन यू इक्वल 100% एंड एफ इक्वल 65% एंड एफ इक्वल 50% एंड एफ इंटरसेक्शन एम इक्वल 30% एंड एफ इंटरसेक्शन एफ यूनियन एम कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल 450। वी नो वी हैव फार्मूला एन यू इक्वल एन एफ यूनियन एम प्लस एन एफ यूनियन एम कॉम्प्लीमेंट और एन यू इक्वल एन एफ प्लस एन एम माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एम प्लस एन एफ यूनियन एम कॉम्प्लीमेंट। ये हम इसको आगे और बढ़ा के दे रहे हैं, इसको और छोटा सा फॉर्मूला होता है उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर चुके हैं, इसको एन एफ यूनियन एम है उसको थोड़ा और बड़ा कर दिया है, एन एफ प्लस एन एम माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एम, ये इसका फॉर्मूला होता है, वो हम इसके जगह पर ये फॉर्मूला को पूरा यूज कर चुके हैं और बाकी ये जो है यहाँ पर हम रखे चुके हैं। इसी तरीके से एन यू है हमारा 100% एन एफ 65% एन एम 50% इंटरसेक्शन 30% प्लस एन एफ यूनियन एम कॉम्प्लीमेंट हमें पता लगाना है, जो 100% इक्वल 85% प्लस एन एफ यूनियन एम कॉम्प्लीमेंट, देयरफॉर एन एफ यूनियन एम कॉम्प्लीमेंट इक्वल 100% माइनस 85 इक्वल 15% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें दिया गया क्वेश्चन में 15% ऑफ एन यू इक्वल 450 होता है, इसी तरीके से 15/100 इंटू एन यू इक्वल 450 और एन यू इक्वल 450 into 100 by 15 equal, and you equal to 3000.
टोटल नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन दिस सर्वे 3000। इसमें हम यहाँ पर एनयू का फाइंड किया है 3000 है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन दिस सर्वे 3000। उसी तरीके से इन द परसेंटेज एनएफ इक्वल एनएफ माइनस एनएफ इंटरसेक्शन एन 65% माइनस 30% 35% एनएफ इज इक्वल टू 35% ऑफ 3000। टोटल नंबर टोटल नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन द सर्वे 3000, जो कि हमें एनयू की तरह यहाँ पर निकाला गया है 3000, और वही हो जाता है हमें नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे इज 3000। नाउ इन परसेंटेज एनएफ इक्वल टोटल नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन द सर्वे 3000, ये हमें यहाँ पर एनयू की तरह मिला हुआ है, एनयू बराबर 3000 हो जाता है, वही हमारा टोटल नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन सर्वे हो जाता है। इन परसेंटेज एन एफ इक्वल एन एफ माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एम, ये भी हमारा फॉर्मूला है, बराबर 65% माइनस 30% इक्वल 35%। नाउ एन एफ इक्वल 35% ऑफ 3000 इक्वल टू 3500 इंटू 3000 इक्वल टू 1050। देर आर 1050 पीपल हु लाइक फॉक्स ऑन ओनली। इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन हमें हो चुका है।